हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ अमिताभ बच्चन की फिल्म 102 नॉट आउट के बारे में। जी हाँ, इसकी कलेक्शंस में बहुत अच्छी इंक्रीज देखने को मिली है, चाहे वो फर्स्ट डे का कलेक्शंस क्यों ना हो, सेकंड डे का क्यों ना हो, थर्ड डे का क्यों ना हो, यानी कि लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं। और जो डायरेक्टर्स ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस निभा दिया है, और कहीं ना कहीं ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन ने एक साथ देखकर लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छा लगा है। पहले दिन की कमाई की अगर बात करें तो 3.52 करोड़ की कमाई थी, दूसरे दिन की कमाई की बात करें तो 5.53 करोड़ की कमाई थी, तीसरे दिन इसने 7.60 करोड़ की कमाई की, और टोटल कमाई तीन दिन की 16.65 करोड़ आ रही। जी हाँ, 16.65 करोड़ की अच्छी खासी कमाई है। और कहा जा रहा था कि ये फिर 35 से 40 करोड़ तक का शायद लाइफ टाइम कलेक्शंस कर लेगी। मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से फिल्म चल रही है, मे बी 50 भी आराम से कैच कर सकती है, और अगर 50 कैच करेगी मेरे हिसाब से उस हिसाब से ये फिल्म ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल फिल्म साबित होगी। मे बी क्योंकि इसका बजट देख के जो ऐसा समझ में आ रहा है कि कम से कम 25 से 30 करोड़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देखते हैं फिल्म कहाँ तक जाती है, और इस तरह की फिल्म, एक यूनिक तरह की फिल्म अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। और ये लाइफ जीने का मकसद सिखाती है, और आई थिंक ये IPL के दौरान बहुत अच्छी अच्छी फिल्में कम बन रही, मे बी इसलिए ये अच्छी फिल्में इसे लोग पसंद कर रहे हैं। आप कितने खुश हैं जरूर बताइए। और हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के होते हुए ये फिल्म इतनी अच्छी कमाल कर रही है, इसका मतलब बाकी में फिल्म बहुत अच्छी है। आपको कैसी लगी फिल्म जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल इतना ही।